एक बार फिर से आपका स्वागत है सुप जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग हैं महाबलीपुरम के अंदर। ये चेन्नई के पास में करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है। पहले एक आइलैंड है महाबलीपुरम, और यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने ऐतिहासिक स्थल है जिनमें एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए कई सारे मंदिर भी शामिल है, गुफाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग स्थान है। तो आइए चलते हैं, विजिट करेंगे महाबलीपुरम। तेरे भी है नहीं। सबसे पहले हम लोग आगे अर्जुन गुफा है, और यहाँ पर क्या है, पूरा महाबलीपुरम है ना, उसके अंदर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। सर अब अंदर चल के देखेंगे। ये एक पूरी श्रृंखला है यहाँ पर इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उनकी, और सारे के सारे यहाँ पर जितने भी उन सब को जो पहाड़ को काट करके अंदर से निकाल लिया, और ये पीछे गुफा रहेगी इस तरह से बनाया गया है। ये पूरा एक ही पहाड़ है, ये पिलर अलग से नहीं लगाए गए हैं। ये भी बहुत बड़ी गुफा है इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है ये छठी या सातवीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ है। चुल्लोर बने हुए। क्योंकि पहाड़ की हाइट जो इसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो बनाने वालों ने फिर क्या किया, इससे नीचे का पार्ट खोद करके यहाँ पर कई सारी मूर्तियां बना दी, जिसके अंदर देखिए इनके अंदर जो ऋषि मुनि भी शामिल है। आज से 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति, उनको यहाँ पर लेके आए थे दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ का लिंक जो है वो चाइना से है। क्योंकि जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पर, तब चाइनीज फिलोसोफर आए थे। चलो अब यहाँ के बारे में यहाँ पर गाइड हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कन्यापन। तो ये इनसे जगह पे घूमे थे? यही फर्स्ट इधर ही देखना, जी जिनपिंग का मोदी इधर ही आए थे, इधर वेलकम कर। यहाँ का चाइना से क्या लिंक है, और ये कितना पुराना है कुछ बताओ? पल्लव राजा का, पल्लव राजा आर्किटेक्चर है ना। अच्छा, महाबलीपुरम एंशियंट फोर्ट, महाबलीपुरम एंशियंट फोर्ट इधर ही सब डिस्टेंस कर रहा हूँ। रोमन, ग्रीक, इजिप्शियन है, यही सब सेलेक्ट करेगा महाबलीपुरम। पहले पल्लव टाइम को उसका गांव का नाम महामल्लपुरम बोले, महामल्लपुरम। और एक नाम महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। महामल्लपुरम महाबलीपुरम दोनों एक ही है। अभी जैसे देख रहे चार मॉडल का मंदिर देख रहे, चार मॉडल, फोर टाइप ऑफ द आर्किटेक्चर है। यही सब पूरा पल्लव राजा का बनाया, 1700 पहले पल्लव राजा का बनाया। अच्छा। तो अभी पल्लव राजा का कैपिटल में इनसे कांचीपुरम। अच्छा। इधर से 17 किलोमीटर, 70 हम लोग गए थे, कांचीपुरम कैपिटल थी यहाँ की। महाबलीपुरम का इनसे बड़ा फोर्ट। अच्छा। सी फोर्ट ऑफ द पल्लव। अच्छा। अभी हिंदू मैथोलॉजी ना, तिरुमूर्ति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कभी विष्णु भगवान को दश अवतार। ये छोटा मंदिर है ना, ये नाम का विष्णु मंदिर है। अच्छा, वो विष्णु, ये भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई। हाँ, यही तो विष्णु मंदिर को ऊपर देखो, वो दाढ़ी वाला बड़ा मूर्ति, वो स्टैंडिंग वन लेग हो गया। ये नाम का सूर्य चंद्रा, सूर्य चंद्रमा, विष्णु, शिव, कई सारे ऋषि मुनि भी है। ऋषि मुनि, वही सब पूरा 103 मूर्ति है, 153 मूर्ति है। अच्छा, यहाँ पर पांडव आए नहीं? आए नहीं है पांडव, आए नहीं है। गाली कल्पना में पल्लव राजा तो पल्लव राजा ने बनाया है पांडवों की स्मृति के अंदर, इमेजिनेशन। ये देखो इस पेड़ के ऊपर पता नहीं क्या लगा, बड़ी बड़ी जड़े हैं। क्या नाम इस फ्रूट का, क्या नाम है उसका? रफ कॉटन ट्री बोले, रफ कॉटन, रफ कॉटन ट्री, रफ कॉटन। अभी हम बहुत ही एक अद्भुत जगह पे आ गए हैं, इसे बोलते हैं कृष्णा की बटर बॉल, मक्खन की गेम। जी चल बोल के चला, चल चल बेटा चल। बहुत ही फिसलन वाली जगह है। कृष्णा एक्चुअली देखो ये पूरा 30 डिग्री के ऊपर लग रही है मुझे तो। फिर भी हाल भी कौन से खड़ा पहाड़ थोड़ा, किस तरह से चट्टान से चिपकी हुई है ये। हम लोग हल्के हल्के हैं इसकी तुलना में, तो फिर भी फिसल रहे थे लेकिन ये नहीं फिसल रहा है। अभी अभी गिर गए, इतने ज़्यादा फिसलन वाला है। वो लोग वहाँ पर जो बैठे हैं ना, लेडीज़ गिर गई, उसकी चूड़ियाँ भी नीचे आ गई। हाँ ओके, और देखो ये गिरता नहीं है, गिरता नहीं। ये बड़ा पत्थर देखियो, उसका नाम का कृष्णा मक्खन का बोले, कृष्णा मक्खन, कृष्णा बटर बॉल, बटर बॉल, मक्खन बॉल, मक्खन, कृष्णा का मक्खन, कृष्णा का लड्डू। वो ब्रिटिश टाइम को वो अभी सात हाथी तो फुल करता, ऐसे गिरता नहीं हो गया। सात हाथी, सात हाथी ट्राई टू फुल। अच्छा, गिराने का प्रयास, ताकि लोगों को अचानक से गिर के किसी को नुकसान ना पहुंचे। गिरता नहीं है, उसको आदमी का बनाता नहीं, नेचुरल पत्थर है। अच्छा, और एक ही पत्थर नहीं है, अलग अलग के पत्थर है, जॉइंटिंग कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट में बैठने का। गिरता नहीं है, उसको 250 टन है, 250 टन है उसका वजन, पॉइंट में बैठने का। अच्छा, ये नेचुरल है। कनेक्शन कुछ भी नहीं, देखो नीचे देखो, वो कनेक्शन कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट में बैठने का। पहले पल्लव टाइम को समुद्र इधर ही है, समुद्र वापस हो गया। अच्छा, इधर था पहले, यहाँ तक आ गया। समुद्र का लैंड है ना, समुद्र का पानी वापस हो गया, पत्थर इधर बैठने का। अच्छा, महाबलीपुरम पानी इधर आने से ये पानी के
वेग से ऊपर आ गया उसका, और हाई महाबलीपुरम का हाई लैंड है, महाबलीपुरम आईलैंड है, आईलैंड ये अच्छा सही है, ये बात सही है। इस साइड में समुद्र, इस साइड में भी पानी है, बैक वाटर है, मिडिल पत्थर है, बीच में ये पत्थर और पूरा महाबलीपुरम ही आईलैंड हो गया। इसका कृष्णा से कोई संबंध नहीं, नहीं, संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे नाम दिया है कि भी कृष्णा की बटर बोल। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने हाथी बाटा देखा था, वहां पर तो सिर्फ एक हाथी था, और यहां पर पूरा महाबलीपुरम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एक हमने हिमाचल के अंदर देखा था रॉक कट टेम्पल के नाम से, तो वो भी कुछ इसी तरह से था, पूरी चट्टान को एक ही पार्ट पूरी चट्टान को निकाल दिया अंदर से और पीछे टेम्पल बच गया, उसी तरह से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है। ये देखो दो पत्थर निकले, उसका नाम का भीम का चूल्हा बोलेंगे, भीम का चूल्हा, भीम का चूल्हा, ये दो पत्थरों को बीच में रख दिया। अच्छा, ये भीम का चूल्हा, डेंजर चट्टान है यार। और यहाँ पर जो कलाकार थे उन्होंने ये यहाँ पर भी कलाकारी करके हो सकता है पहले प्रैक्टिस की होगी। मैं जो अभी चूल्हे को क्रॉस कर रहा हूँ, ये देखो उसका मंदिर का नाम को तिरुमूर्ति का गुफा मंदिर, तिरुमूर्ति गुफा मंदिर, गुफा मंदिर यही सब पूरा है कि माउंटेन में बना था, उसका नाम का तिरुमूर्ति केव, गुफा ब्रह्मा मंदिर है, संत में शिव जी मंदिर है। अच्छा, इनको केव मंदिर बोल सकते हैं क्योंकि ये एक ही गुफा के केव के अंदर बना है, तो ऐसे ब्रह्मा शिवा विष्णु, और पीछे सेंटर में देखो शिवलिंग का, और शिवलिंग का पूजा करने के लिए पहले अभी पूजा दर्शन कोई अलाउड नहीं है। वो भी देखो नाम का महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता, और स्टैंडिंग एंड बफलो हेड का महिषासुर मर्दिनी, वो बड़ा टैंक देखो पीछे, वो देखो बड़ा टैंक देख लो, उसको नाम का कृष्णा का मक्खन टैंक, दूध बना रहा, लस्सी बनाता। अच्छा, 5 फीट का डीप, एक ही पत्थर है ऊपर, चले देखो एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर इसके अंदर से कूद के, वो देखो कृष्णा का मक्खन दूध बना रहा, लस्सी बनाता। अच्छा, एक्चुअली दिस इज वन रॉक, एक ही चट्टान है ये भी, और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यही है, ऑल द लिविंग रॉक, लिविंग रॉक। ये देखो ऊपर से पानी आने का एक रास्ता भी बनाया है जो कलाकार थे उन्होंने, और ये पानी आ रहा है, और चट्टान के नीचे हाथी, मोर और हाथी का बच्चा, और ये बंदर इस तरह से बनाई हुई है। इसको नाम का मोनोलिथिक टेम्पल बोले तो, और नाम का गणेश का रथ है। अच्छा। आपको ऊपर में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पीछे सेंटर में इंडियन स्कल्पचर, द्राविडियन का आर्किटेक्चर है। हाँ। आप नीचे फील्ड देखो रोमन फील्ड, रोमन आर्किटेक्चर है। वराह मूर्ति, और विष्णु हैंड देखो नाम का भूमा देवी, गजलक्ष्मी विष्णु वाइफ का लोटस फ्लावर का बैठने का, और गंगा देवी पानी दिया हाथी में, हाथी वो सावर बड़ी का, ये छोटा बच्चा का 3 फीट का जमीन का बोले ना, ये भी नाम का विष्णु बामना था, बड़ी राजा बलि का नाम, बड़ी महाबली, ये तो राजा का महाबली हो। पहले के टाइम में कैमरे नहीं होते थे, फोटो नहीं होते थे, कागज नहीं होते थे, या तो ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग, या ज्यादा से ज्यादा इस तरह से मूर्तियां बनाते थे, तो पूरी पिक्चर महाभारत रामायण और ये जो दृश्य जैसे राजा बलि वाला है, वराह अवतार है, उन सबको पत्थरों की मूर्तियों के जरिए उकेर दिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हम लोग सब समझ सकें कि क्या था। सबसे ज्यादा जो टाइम तक चलने वाली चीज़ यही होती है कि पत्थरों के अंदर उकेर के छोड़ दिया पूरा कोरा। ये एक चट्टान है, और उसके ऊपर इस तरह से ये एक यहाँ पर कुंड बना दिया, जिसे यहाँ पर द्रौपदी स्नान गृह बोलते हैं। एकदम शांत और एकांत जगह पे साइड में है, पूरा एक पहाड़ी है। अभी हम थोड़ी देर बैठ के आराम कर रहे हैं, शून्य सो गई। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है, इसको सोने के लिए देखो जगह कहाँ मिली है, कृष्णा की बटर बोल के नीचे। यहाँ पे ये काफी देर तक मतलब नीचे ऐसे चलना सीख रही थी, काफी देर तक खेली और फिर अब सो गई। अभी स्कूल के बच्चे आए हैं खूब सारे, तो ऐसे लग रहा है बांदर से ना चेन्नई। अच्छा, ये चेन्नई से आए सारे बच्चे। आई एम अ सब्सक्राइबर, यू सी, यस। घर पे थोड़ी सी आवाज होती है तो ये जग जाती है, यहाँ पे ढोल बज रहा है, इतना शोर हो रहा है फिर भी नहीं जग रही। काला वाली की और पास्ता यार, अर्नोल से। अच्छा। और मेरे इन लॉज अभी भिवाड़ी से ही आई हूँ मैं, अभी माइग्रेट होके नागपुर में। भिवाड़ी से आई हूँ, भिवाड़ी से। अच्छा। यहाँ घूमने, हाँ नागपुर से मेरी बेटी का एग्जाम था। अच्छा। तो इसलिए हम लोग आए थे। हेलो, वो एक्चुअली मैंने एक दिन आपकी गट्टे की सब्जी की मैं रेसिपी सर्च कर रही थी। अच्छा। तो मैंने आपको देखा था, तो मैंने वो रेसिपी ट्राई की थी। कैसी बनी सब्जी? बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है क्योंकि एक्चुअली अक्सर जयपुर जाते रहते। अच्छा। सो ये बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने ट्राई किया था, मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की। एक्चुअली हम लोग भी बनाते हैं क्योंकि मेरी मम्मा भी अलवर से है। अच्छा, आपने हमारी तरह ट्राई किया? हाँ, आप ही की रेसिपी को फॉलो किया, तब मुझे याद है कि आप ब्लॉग्स बनाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जबरदस्त, मेरी भी फेवरेट है वो सब्जी। हाँ, वो फेवरेट है, वो बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब सब्सक्राइबर मिलते हैं ना।
अभी लेमन सोडा पी लेते हैं। एक और स्थान पर आ गए हम लोग, इसी श्रृंखला के अंदर शामिल है और ये बहुत ज़बरदस्त है। एक ही पत्थर चट्टान के ऊपर निर्मित है, ये भी कंस्ट्रक्शन पूरा वो सिंगल सिंगल चट्टान वाला ही है। ये क्या है, यहाँ पर पांच रथ के नाम से बोलते हैं, पांच रथ बने हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जो कई सारे पांच रथ इनको बोलते हैं। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। ये यहाँ पे पहाड़ काट काट के मतलब ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं मूर्तियाँ, हाथी, अलग अलग मतलब मूर्ति, तो हमें बहुत सुंदर लगा। हम जिस दिन आए थे उस दिन भी इनको पहली बार मतलब पास से निकले थे, तब भी बहुत सुंदर लगा था ये, और अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि पहाड़ को काट काट के बीच में से मूर्तियां निकाली हुई है। किसी ने बताया था कि ये जो इतना एरिया है ना, एक बार पूरा पूरा समुद्र के अंदर डूब भी गया था, यहाँ पानी आ गया था सब जगह, क्योंकि यहाँ मुश्किल से 100-200 मीटर पानी है समुद्र, तो फ्लो आने से ये पूरा जलमग्न हो गया। इनको मतलब मन सच में सचो डर लग गया कि बैठो वो अभी हमारे जो होटल है वो एकदम समुद्र के किनारे है, तो मुझे रात में आवाज़ सुनती है तो डर लगता है पानी ना आ जाए, फिर ऐसे सोचती हूँ आएगा तो अभी नीचे नीचे वाला डूबेगा, हम तो ऊपर है। इसके ऊपर की जो बनावट है ना यहाँ पर, ये इसकी इसकी ये थोड़ी एकदम ये लगता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन हमने महाबलीपुरम की देखी, लेकिन इतना ही नहीं, अगले वीडियो के अंदर हम लोग आपको यहाँ के अंडर वाटर टेम्पल जो बनाए गए हैं वो दिखाएंगे, समंदर के अंदर जितने यहाँ पर बाहर दिख रहे हैं उतने ही पानी के अंदर भी है। ले ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर हम नए हैं तो सुबह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।